गाइज फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हैवेल्स इंडिया के बारे में। तो दोस्तों आज करीबन 3.5% की हम लोग को तेज़ी देखने के लिए मिल रहा है। क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगा, क्या ये शेयर और भी ऊपर जाएगा, डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों अगर इसका मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करूँगा तो एक मल्टीवेगर कंपनी बन चुका है, क्योंकि 64,852% की रिटर्न ये कंपनी दे चुका है। 2001 में लिस्टिंग हुआ था, वो टाइम में इसका प्राइस सिर्फ 1 रुपया था। अभी देखिए दोस्तों वही 1 रुपया वाला शेयर 1,224 रुपये में मिल रहा है। और दोस्तों लॉकडाउन से पहले अगर मैं दिखाऊंगा तो करीबन 760 में मिल रहा था, उसके बाद 525 हो गया, फिर से एक बार यहाँ पर हाई लगाने के लिए कोशिश किया था 1,139, अभी 1,225 में ट्रेड हो रहा था। ठीक है, फिर से गिरावट हुआ, 99 तक आ गया, फिर से अभी तेज़ी पकड़ लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा सा चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं ओपन कर चुका हूँ NSE के ऑफिशियल वेबसाइट को। तो दोस्तों आज की डेट में भारी भरकम बाय सेल हो रहा है और 1,246 इसका हाई है, 576 इसका लो है। अगर हम लोग देखेंगे 34% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो 17 जून 2021 को 3.50 रुपया करके डिविडेंड प्रोवाइड किया था, उसके बाद 28 जून को भी या 28 जनवरी को भी डिविडेंड प्रोवाइड किया था, और 21 जुलाई को रिजल्ट आया था, रिजल्ट भी ठीक ठाक था। प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है। अगर इसका हम लोग टारगेट देखेंगे तो 1,320 इसका टारगेट है। अभी कितने में ट्रेड हो रहा है, अभी दोस्तों 1,226 में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, 1,226 में अभी ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ पर हम इसका टारगेट देखेंगे तो 1,320 है इसका टारगेट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल्स में इसको एनालिसिस करते हैं, इसका मार्केट कैप वगैरह, तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1,238 हाई है, 577 लो है, और सेक्टर पी 61 है, बुक वैल्यू 82 है, डिविडेंड कंपनी 0.55 प्रोवाइड करता है, ROC यहाँ पर 29 है, ROE यहाँ पर 21 है, फेस वैल्यू 1 का है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये बनाता है और एक नंबर का कंपनी है पूरे इंडिया में, इस फील्ड में एक नंबर का कंपनी है हैवेल्स इंडिया। अगर हम लोग देखेंगे क्वार्टरली सेल्स तो 2,255 का एक्सपेंड किया गया था, 2,610 का सेल हुआ है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट आप देख सकते हो थोड़ा सा हम लोग को गिरावट में दिख रहा है। अगर हम लोग ईयर वाइज देखेंगे तो यहाँ पर 9,788 का एक्सपेंड किया गया था, 11,584 का सेल हुआ है, यानी एक्सपेंड से ज़्यादा सेल हुआ है। प्रॉफिट देखोगे तो ज़रूर से ईयर वाइज प्रॉफिट हमको ग्रो दिख रहा है, क्योंकि 1,044 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2020 में, 21 में 1,216 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे लास्ट ईयर में 21% की दिया है। शेयर कैपिटल अगर देखेंगे 63 है, 5,114 इसका रिजर्व है, और कर्जा देखोगे सिर्फ 521 है। पहले तो 72 था, अभी थोड़ा सा ज़्यादा है इस मार्च में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 5,114 करोड़ का रिजर्व है और 521 का कर्जा है, तो ना के बराबर कर्जा है दोस्तों, बहुत ही जल्दी चुका सकते हैं। एसेट देखेंगे, एसेट में भी ग्रो है। कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो में भी ग्रो है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 59% प्रमोटर के पास है, और FI वाले भी दबा के माल रखे हैं 24%, DI वाले यहाँ पर दोस्तों 8%, यहाँ पर 7 था अभी 8 कर दिए हैं, गवर्नमेंट के पास 0.12 है, और पब्लिक के पास 8.17 है, अदर्स जो है वो है 0.05 रखे। तो दोस्तों सारा पैरामीटर बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।